अलीगढ़ के टप्पल में हुई 2.5 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दीवार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों के पक्ष में नहीं लड़ेगा। साथ ही बार एसोसिएशन ने भी फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर बाहर से भी कोई वकील पैरवी करता है तो उसको पहले समझाया जाएगा, अगर वो नहीं माना तो अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो वकीलों ने कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करेंगे। मेरा नाम अनूप कौशिक है, मैं अलीगढ़ बार एसोसिएशन में महासचिव के पद पर हूँ। तो टप्पल में जो एक बच्ची के साथ हत्याकांड हुआ है और उसमें क्या निर्णय लिया आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से ये 2.5 साल की मासूम बिटिया के साथ जघन्य कांड हुआ है, इससे समाज के साथ साथ हमारे अधिवक्ता समाज में भी बेहद आक्रोश है, क्योंकि ये जो घटना है एक तरह से राष्ट्रीय घटना है, ये सामाजिक घटना है और इस पर हर व्यक्ति हर वर्ग का इसमें बहुत आक्रोशित है और अपने बच्चों को उसके रूप में देख रहा है जैसे उन्होंने अपने बच्चों के साथ ही ये घटना हुई हो। तो हम चूँकि बार के महासचिव हैं, हमारे पास भी तमाम अधिवक्ताओं की मशवरे आई, राय आई, उन्होंने हमने ये चिंतन करके ये निर्णय लिया है कि इस तरह की घटना के केस में हम प्रोसिक्यूशन की साइड से ही पैरवी करेंगे और अभियुक्तों के पक्ष में कोई भी यहाँ का अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। अगर कोई बाहर का अधिवक्ता पैरवी करने के लिए आता है तो हम उसको पैरवी करने से रोकेंगे, क्योंकि अधिवक्ता का कार्य न्याय दिलाना है, अन्याय के साथ खड़े होना नहीं है। अनुमानन कितने एडवोकेट हैं जो हमारे कोर्ट में मौजूद हैं? यहाँ हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 2500 अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं और सभी लोगों का ये एक आम राय है कि हम इस तरह के का केस में पैरवी अभियुक्तों के पक्ष में नहीं करेंगे। अब एडवोकेट हैं, इसके हिसाब से जिस तरह से घटना हुई है उसमें किस तरह की सजा होनी चाहिए? देखिए, ये जिस तरह की घटना है, हमारे कानून में इस तरह की घटना में फांसी की सजा का प्रावधान है और निश्चित रूप से कि फांसी सजा लायक केस है और जिस तरह की एविडेंस आएगी हम प्रोसिक्यूशन की मदद करके उनका पक्ष रख करके न्यायालय से गुहार करेंगे कि इसमें फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि समाज में ये संदेश जाए कि इस तरह की घटना अगर कोई करेगा तो कानून और कानून के रखवाले सब उनके खिलाफ गोड़। राकेश कुमार जी, ये बताएं कि जिस तरह से ये घटना हुई है टप्पल वाली मासूम के साथ, उसमें किस तरह का निर्णय लिया गया आपके? इसमें अभियुक्तों को फांसी सजा इससे कम नहीं, क्योंकि जघन्य अपराध है और समाज में इसका एक संदेश जाएगा कि इस तरह का ऐसे अपराधों में फांसी की सजा होनी चाहिए। और क्या निर्णय लिया वकीलों ने? वकीलों ने निर्णय लिया है कि हम अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे और वादी पक्ष से मदद कर वादी पक्ष को करेंगे मदद। सभी अधिवक्ताओं ने एक राय होकर ये निर्णय लिया है कि वादी अभियुक्तों को कोई मदद नहीं की जाएगी और बाहर से जो भी अधिवक्ता आएगा उसे समझाएंगे भैया पहले कि अब इसमें तू पैरवी ना कर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।